हेल्थ केयर ग्लोबल लिमिटेड, आज ये स्टॉक क्यों चलेगा और कितना चल सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और किस रीज़न से चलेगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो आज ये वो कंपनी है जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, हेल्थ केयर ग्लोबल लिमिटेड। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 110 के आसपास चल रहा है। देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, तो अब अगर आपको खरीदना है तो बेशक आप खरीद सकते हो। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, नहीं तो हाथ से प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कंपनी किस में इंगेज है। देखिए, अभी दोस्तों हेल्थ केयर के मतलब मेडिसिन में ज़्यादातर इंगेज है, लेकिन एक मतलब बैड न्यूज़ आने की वजह से ये स्टॉक चल रहा है। बैड न्यूज़ आने की वजह से, कभी आपने सोचा था कि मतलब जितने अच्छे अच्छे न्यूज़ आते हैं, गुड न्यूज़ आते हैं, उसके वजह से स्टॉक में चलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों, क्या न्यूज़ है जिसके बारे में ये स्टॉक चल सकता है? तो दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस के वजह से बहुत ज़्यादा लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा, और उसके वजह से अभी देख सकते हो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में ज़्यादा जो है ये हो रहा, मतलब उनको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। हॉस्पिटल और क्लिनिक को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लोग बीमार होके कहाँ जाते हैं, वहाँ ही जाते हैं। अब दोस्तों आज के डेट में देख लो, अमेरिका चाहे कोई भी देश को देख लो, तो लो सब मिल के एक दोस्तों ग्लोबली मीटिंग करने वाले हैं, वहाँ पर एक जो है निचोड़ लाने वाले हैं किसका, कोरोना वायरस। तो दोस्तों ये स्टॉक पहले से भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। ठीक है, पहले से भी बहुत ज़्यादा देख सकते हैं दोस्तों, 1 ईयर से भी ये टूटा हुआ है और 1 मंथ से भी टूटा हुआ है, लेकिन अब भी ये चलने वाला दोस्तों। हो सकता है कि इसका जो टारगेट है 100 125 के आसपास, ठीक है, 125 के आसपास आएगा, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका अगर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 109 रुपीज़ के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं दोस्तों। न्यूज़ के बेस पे ये स्टॉक चलेगा। अगर इसका चार्ट देखोगे तो दोस्तों ये यहाँ पर लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंट बना रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के डेट में दोस्तों अमेरिका, यूएस, चाइना, जो भी देख लो, सारे बाज़ारों में मतलब जितने भी मार्केट है दोस्तों, सब में आपको बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है, तेज़ी देखी जा रही है। तो आज के डेट में मार्केट में अच्छा खासा अगर रैली रहा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि दोस्तों हमारे निफ्टी या सेंसेक्स भी 50 पॉइंट 100 पॉइंट अप में ओपन हो जाता है, लेकिन वो दोस्तों स्टेबल नहीं हो पाता, जब शाम होते होते वो नीचे आ जाता। तो ये दोस्तों आपको स्टेबल होने तक वेट करना पड़ेगा। जितने भी आप लोगों ने स्टॉक खरीदा, कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने गलत स्टॉक चूज किया, ऐसा नहीं है, सारे स्टॉक गिर रहे इस टाइम में। ठीक है, तो ये स्टॉक में एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी बनता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का, तो थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूज के बेस्ड पर यह स्टॉक जो है उड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक में कंपनी में थोड़ा बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट का डिमांड और इंप्रूवमेंट इंक्रीज हो गया है, इस वजह से स्टॉक चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा सिंपल सा वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए अगर आपके पास कोई कमेंट है कमेंट कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपका डिस्कशन कर लेंगे।